हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर अंडर आर सीरीज क्विक नॉलेज क्रंच, जिसमें हम करंटली हमारे जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, जिनका बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस में, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। हमने डिफरेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, फॉर एग्जांपल रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, भिखाजी कामा, अरुणा असफ अली, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, इन सबको डिस्कस किया है, ठीक है, जिन्होंने जो है उस टाइम की सोसाइटी की स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए, ठीक है, जो कि था कि वुमेन को घर के अंदर रहना है, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बिल्कुल जो है मेन के बराबर आके अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो आज इस सीरीज़ को कॉन्टिन्यू करेंगे एक और ऐसी ब्रेव लीडर के साथ, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल ऑर्डिनरी फैमिली से आई थी और उन्होंने अपनी लाइफ जो है बिल्कुल इंडिया के लिए सेक्रीफाइस कर दी। उनकी डेथ भी ऐसे हुई कि उनको गोलियां लग रही थी उधर ब्रिटिशर से और वो वंदे मातरम चांट करती जा रही थी। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, गोलियां खा के शहीद हुई ये लेडी, ठीक है। इनका नाम था मतांगनी हजरा और ये इनका, जैसे हम अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो पहले हमने कुछ जैसे फीमेल वॉरियर्स डिस्कस किए, फॉर एग्जांपल कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, तो सब ये इलाइट फैमिली से आती थी, ठीक है, पॉपुलर फैमिली से आती थी। पर मतांगनी हजरा ये एक कॉमन वुमेन थी, ठीक है, इनका जो परिवार था बहुत ही गरीब पीजेंट फैमिली से ये आती थी, ठीक है। तो वहाँ से आके इन्होंने इंडिया को जो है लीड किया, अलग अलग एरियाज में बहुत इन्होंने बहादुरी वाले जो हैं काम किए, वो आज हम देखेंगे डिटेल में। तो चलिए पहले इनका अर्ली लाइफ, इनका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जैसे हमने बात की कि इनका बर्थ एक बहुत ही पुअर पीजेंट फैमिली में हुआ था, ठीक है, बहुत ही गरीब किसान की फैमिली थी और तामलुक करके एक बहुत छोटा सा गाँव है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1869 में। फिर गरीबी के कारण जो है इनको एजुकेशन भी नहीं मिला, ठीक है, कोई इनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुआ और इनको फिर चाइल्ड मैरिज में फोर्स कर दिया गया, क्योंकि बहुत गरीबी थी परिवार में, तो उस टाइम था कि हाँ लड़कियों की जल्दी शादी कर दे, राइट। तो इनको जो है चाइल्ड मैरिज इनकी कर दी गई और वो भी जिनसे इनकी मैरिज हुई वो 60 ईयर्स ओल्ड थे और वो खुद उनके मतलब पहले वाइफ की डेथ हो रखी थी, ठीक है, तो ये सेकंड वाइफ थी उनकी और फिर उसी लिए ये जल्दी ये खुद भी विडो हो गई, 18 ईयर्स की एज में ये विडो हो गई थी। देखिए कितनी ही अपनी लाइफ में, अर्ली लाइफ में इन्होंने जो है स्ट्रगल किया, इतना इनको संघर्ष करना पड़ा, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम्स थी इनकी, पर फिर भी ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपनी प्रॉब्लम्स को साइड पे रख के जब ये विडो हो जाती हैं तो ये वापस अपने नेटिव विलेज जाती हैं और वहाँ पे जो नीडी लोग होते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करने में लग जाती हैं। मीन्स अपनी प्रॉब्लम्स को साइड पे रखा और दूसरों की प्रॉब्लम्स में इन्होंने हेल्प की। तो ये ऐसा इनका पर्सनल जो है बैकग्राउंड रहा। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रही, कोई भी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स हो, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, CDM, सब में इन्होंने बहुत मास लेवल पे पार्टिसिपेट किया। अब जैसे 1905 में इनका जो पार्टिसिपेशन था नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ में वो स्टार्ट हो गया था, ये अलग अलग प्रोटेस्ट्स में अलग अलग एरियाज में जाके पार्टिसिपेट करती थी और ये गांधीयन आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा मतलब फॉलो करती थी, गांधी जी से बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थी, इसलिए इनके विलेज में इनको जो है गांधीयन बूढ़ी भी बोला गया, ओल्ड गांधीयन वूमेन, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू गांधीयन की तरह जो है एक्ट करती थी, ठीक है, और उनकी मतलब उनकी ही आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए इन्होंने जो है अपने लाइफ के एंड तक वुमेन से फाइट किया, सॉरी ब्रिटिशर से फाइट किया। तो क्या होता है कि जब CDM चल रही होती है तो उस टाइम पे ये मतलब इनसे एसोसिएटेड है ये इवेंट, तो ये क्या करती हैं CDM के टाइम पे तामलुक पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे ये छुप मतलब छिपके अंदर चली जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता, और वहाँ पे जाके जो है हमारा इंडिया का फ्लैग होस्ट करती हैं और जब इन पुलिस में इनको पता लगता है कि इन्होंने ऐसा किया तो इनको अरेस्ट किया जाता है, बट फिर बाद में रिलीज़ कर दिया इनको,
ठीक है, बाद में रिलीज़ कर दिया, तो उस टाइम इनकी जो है एज भी, मतलब CDM के टाइम पे 60s में एज होती है, बट फिर भी ये जो है क्या करती है, वो यान वगैरह को स्पिन करने लग जाती हैं। ठीक है, इनकी खुद की वीक आई साइट होती है, क्योंकि 60 ईयर्स की एज हो रही होती है, और खादी क्लोज को पहनती हैं। तो ऐसे करके जो है खादी का, इंडियन गुड्स का प्रमोशन करती हैं ये। मतलब ये नहीं था, ये इनका क्या रहता था कि अगर इनको अरेस्ट कर लिया गया, बहुत बार इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो फिर उसके बाद इनको थोड़ा जल्दी रिलीज़ कर देते थे, क्योंकि ओल्ड एज थी इनकी। तो ये नहीं होता था कि अगर इनको रिलीज़ कर दिया उसके बाद ये शांत हो जाएंगी, नहीं, तो ये किसी और एक्टिविटी में, ठीक है, किसी और तरह से हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को प्रमोट करने लग जाती थी। ठीक है, लोगों का वेलफेयर के लिए भी बहुत काम करती थी, हरिजन वेलफेयर के लिए भी इन्होंने काम किया। तो ऐसे करके जब इनको अरेस्ट करके छोड़ा गया CDM के बाद, तो इन्होंने खादी का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, ये 6,000 वुमेन फीमेल वॉरियर्स जो होती हैं उनको लीड कर रही होती हैं। ठीक है, और उस टाइम क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट में आपने सुना भी होगा पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी थी। पैरेलल गवर्नमेंट्स क्या थी कि उसमें हमने जो ब्रिटिश पुलिस स्टेशन थे, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, सब कैप्चर कर लिया था हमने। खुद की जो है गवर्नमेंट्स बनाई थी अलग अलग एरिया में, फॉर एग्जांपल तामलोक 17। ठीक है, तो हम ये ब्रिटिशर्स को दिखा रहे थे कि आप यहाँ पे, आपकी ज़रूरत नहीं है, आप निकलो हमारे देश से, हम अपनी जो कंट्री को खुद रूल कर सकते हैं। इसका सबसे पहले जो हमने बहुत बड़ा जो है सर्टिफिकेशन इन ब्रिटिशर्स को दिया था, वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बना के दिया था, राइट, 1937 में। और फिर से डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, उस टाइम क्या हुआ, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जब बनी तो लोगों में बहुत इंकरेजमेंट आई थी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ऑर्डनरी लोग भी थे, ठीक है, और मास था हमारा, तो वो भी लग गया कि हम भी अपने अपने एरिया में पैरेलल गवर्नमेंट्स बना सकते हैं, और ब्रिटिशर्स को बता सकते हैं कि अब तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने कंट्री को खुद रूल करना जानते हैं। तो ऐसे ही एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाने का जो प्लान बना वो तामलुक में बना। ठीक है, तो इसी इसी के चलते जो मतांगनी हजरा थी वो 6,000 वुमेन वॉलंटियर्स को लीड करते हुए जा रही थी। इनके हाथ में एक फ्लैग था, तो ये तामलुक पुलिस स्टेशन को कैप्चर करने जा रही थी, वहाँ पे अपना फ्लैग जो है होस्ट करने जा रही थी। तभी जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं 144 सेक्शन के अंडर। तो इन्होंने ये आगे बढ़ी, इन्होंने उनको रोका कि ओपन फायरिंग देखिए मत कीजिए। ठीक है, तो एक इनके गोली भी मारते हैं तब ब्रिटिशर्स, बट ब्रिटिशर्स इनके नहीं सुनते, और ये जो है आगे बढ़ती रहती है और ब्रिटिशर्स गोली चलाते रहते हैं इन पे। तो 3 गोलियां इनको लगती हैं, पर फिर भी ये जो हमारा फ्लैग है, इसको आप देखेंगे, ये पिक्चर भी है, तो इसको ये होस्ट करते जाती हैं, और मतलब ज़मीन पे नहीं लगने देती, हवा में हमारा तिरंगा लहरा रहा होता है। देखिए पिक्चर भी है एक, इसको रिप्रेजेंट करते हुए इन पे गोलियां चल रही होती हैं, इनके हैंड्स इंजर हो जाते हैं। ठीक है, बट ये हमारा तिरंगा जो है गिरने नहीं देती। तो ऐसे करके, और फिर वंदे मातरम को चांट करती हैं, इनको पता लग जाता है अब इनका नहीं, अब ये सर्वाइव कर पाएंगी, तो वंदे मातरम को चांट करती हैं, और फिर ये अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देती हैं इंडिया के नाम। और उस टाइम पे ये 72 ईयर्स की होती है, तो इतनी ओल्ड एज में भी इन्होंने फाइट किया देश के नाम, और एंड तक जो है हमारा तिरंगा हवा में लहरा रहा था। तो देखिए कितने बड़ी बड़ी एग्जांपल्स हैं ये हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, जिन्होंने लाइफ जो है अपनी सेक्रीफाइस कर दी। तो ऐसे करके इनका फिर डेथ हो जाती है। ठीक है, एक मार्टियर के रूप में इनकी डेथ होती है। तो उसके बाद 29 सितंबर 1942 में ऐसा हुआ तामलुक पुलिस स्टेशन के पास। तो उसके बाद क्या होता है, अब इसी से इंस्पिरेशन लेके इनके जो मार्टियरडम होता है इसको रिस्पेक्ट करते हुए तामलुक में पैरेलल गवर्नमेंट बनी, और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है, 1944 तक वो चलती रही,
और उन्होंने जो है सेल्फ गवर्नमेंट पे अपना रूल करा था, ठीक है, सेल्फ जो भी गवर्नमेंट के अफेयर्स होते थे उनको हैंडल किया, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में और बहुत ही पीसफुली इन्होंने जो है अपनी फाइट ब्रिटिशर्स के लिए के अगेंस्ट कंटिन्यू की थी, जो तामलुक में गवर्नमेंट बनी थी। और भी पैरेलल गवर्नमेंट्स बनी, फॉर एग्जांपल सत्रा बलिया में बनी, ठीक है, तलचर में बनी, चार जगह बनी थी ये पैरेलल गवर्नमेंट्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो वहाँ पे भी जो है ऐसे गवर्नमेंट्स को फेयर लाइक लोकल गवर्नमेंट के अफेयर्स को हैंडल किया गया, पर तामलुक में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एंड बहुत ही पीसफुली किया गया। तो ऐसे मतलब इनकी जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया था, उनसे इंस्पिरेशन लेके तामलुक पैरेलल गवर्नमेंट ने वर्क किया। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जो है इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है। कोलकाता में एक वुमेन का स्टैच्यू लगा था, और वो कौन थी, अगर इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट स्टैचू की बात करें वुमेन की, तो कोलकाता में लगा, और वो हजरा का लगा था, इनका जो मतांगनी हजरा था इनका लगा 1977 में, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे आपको जगहों के नाम, ठीक है, रास्तों के नाम आपको इनके नाम पे डेडिकेटेड मिलते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने भी जो है रिकॉग्नाइज किया था इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को, और इनके नाम पे जो है स्टैम्प भी निकाली गई थी। तो ऐसे करके एक ऑर्डनरी वूमेन होके बढ़ चढ़ के इन्होंने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन किया। दो इतनी लाइमलाइट में नहीं आई ये, क्योंकि और भी बहुत फेमस फेमस लीडर्स थी, तो ये इतनी लाइमलाइट में नहीं आई, पर डिस्पाइट ऑफ ऑल द ओड्स, ठीक है, इनको स्ट्रगल अपनी पर्सनल लाइफ में करना पड़ा, इनकी एज इतनी थी, उन सब चीज़ों को साइड पे रख के सिर्फ इन्होंने देखा, तो देखा सिर्फ इंडिया को, और अपनी लाइफ पूरी जो है सेक्रीफाइस कर दी। तो ऐसे करके एक और ब्रेव लीडर की हमने बात की, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे एक और ऐसी फीमेल वॉरियर के साथ, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है इंडिया के नाम डेडिकेट कर दी। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं, ठीक है, प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ठीक है, और एक इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएं। आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपके एडिशनल फैक्ट्स होते हैं जो हम टॉपिक कवर करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे एक अच्छा है, हेल्दी जो है हम इंटरेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं, राइट। तो क्योंकि नॉलेज शेयर करते हैं उससे नॉलेज इंक्रीज होती है, और आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें हेल्पफुल रहेगा। अब क्या है कि पेंडेमिक का टाइम है, तो पेंडेमिक के टाइम पे हम फॉर्मल इतना जैसे कोचिंग एंड ऑल उतना नहीं अच्छे से कर पा रहे, तो हम घर में जैसे अपने ऐसे इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म्स बनाएं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करें, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, अपनी पढ़ाई को अच्छे लेवल पे कंटिन्यू करें, राइट। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसे लेक्चर एक और के साथ, और टिल देन बाय बाय, बी सेफ, ठीक है, हेल्दी रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।